दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। माँ बनने का सपना करें साकार। जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहाँ 80% तक सफल परिणामों के साथ 8000 से ज्यादा निसंतान दंपतियों को मिला है संतान सुख का वरदान। जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसा प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है जिससे सरकारी नौकरियों का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से सरकारी नौकरी देने की बात की है, जैसा हमने पहले बताया था। अब योगी के इस फॉर्मूले का विरोध नौकरी की तलाश में भटक रहे नौजवान और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल तो कर ही रहे थे, अब बीजेपी के लोग भी मैदान में आ गए हैं। क्या है मामला, आइए जानते हैं। अब नए प्रस्तावित सिस्टम को लेकर बीजेपी के भीतर नाराजगी के सुर दिखाई देने लगे। बीजेपी के MLC देवेंद्र प्रताप ने समूह ख और ग को लेकर नियमावली में बदलाव करने के प्रस्ताव पर सरकार की चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा कि इस तरह सेवा नियमावली में बदलाव न किया जाए, अगर ऐसा होगा तो सरकारी नौकरी में आने वालों का शोषण और कदाचार बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के नाम पर उगाही शुरू हो जाएगी। फिर नया सिस्टम क्या है? प्रस्ताव यह है कि यूपी में ग्रुप बी और सी कि नौकरियों के लिए अब संविदा पर भर्ती की जाए, यानी भर्ती निकाली जाएगी, लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया जाएगा। इन 5 साल में हर 6 महीने पर टेस्ट लिया जाएगा, 60% अंक पाना अनिवार्य होगा। 2 बार अगर 6 माही में 60% से कम अंक आए तो लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अब अमर उजाला है अखबार, उनकी खबर के मुताबिक 5 साल की संविदा के दौरान किए गए काम को मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर MKPI के पैमाने पर मापा जाएगा। सरकार MKPI का फॉर्मूला भी तय कर रही है। 5वें साल 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। कहा जा रहा है कि संविदा पर नियुक्ति के दौरान मूल पदनाम के बजाय सहायक पदनाम दिया जाएगा, जैसे शिक्षक के लिए कोई भर्ती हुआ तो सहायक शिक्षक। संविदा पर नियुक्ति के दौरान यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 भी नहीं लागू होगा। इस दौरान सरकारी नौकरी जैसे कोई सर्विस बेनिफिट नहीं होंगे। जो लोग 5 साल की संविदा नियुक्ति पूरी कर लेंगे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि कार्यक्षमता बढ़ेगी और खजाने पर लोड कम पड़ेगा, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब बीजेपी के MLC ही सामने आ गए हैं। कई जगह, कई शहरों में, कई जिलों में रैलियां, प्रदर्शन, जुलूस निकाले गए हैं। तो अब ये मामला है, बीजेपी के अंदर से ही विरोध उठने लगे हैं। अमित मिश्रा इस खबर को लेकर आते हैं। मैं सिद्धांत हूं और आप ललन टॉपर बने रहिएगा। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।